नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरिया बाबू में। मशहूर शायर डॉक्टर आ तिंदौरी का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से दुखद निधन हो गया। वे 70 वर्ष के थे। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से वे अस्पताल में भर्ती थे। इंदौर के कलेक्टर ने उनकी निधन की पुष्टि की है। चाहने वालों के बीच डॉक्टर राहत इंदौरी का इस तरह चला जाना बहुत ही दुखद है। साहित्य जगत खासकर उर्दू की दुनिया के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जिलाधिकारी मनीष सिंह ने बताया, कोविड-19 से संक्रमित डॉक्टर राहत इंदौरी का अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसे सेम्स के नाम से जाना जाता है, में इलाज चल रहा था, जिसमें उनका निधन हो गया। उन्होंने बताया कि इंदौरी हृदय रोग, किडनी रोग और मधुमेह रोग जैसे शरीर की पुरानी बीमारियों से पहले से ही पीड़ित थे। सेम्स के छाती रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर रवि डोसी ने बताया, इंदौरी ने दोनों फेफड़ों में निमोनिया था और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। उन्होंने बताया, सांस लेने में भयंकर तकलीफ के चलते उन्हें आईसीयू में रखा गया था और ऑक्सीजन दी जा रही थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हम उनकी जान को नहीं बचा सके। इंदौर के बेटे और युवा शायर सतलज राहत ने अपने पिता की मौत से पहले मंगलवार को सुबह बताया था कि पिछले 4 महीनों से घर में ही थे। वह केवल अपनी नियमित स्वास्थ्य के लिए घर से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने बताया, इंदौरी को पिछले 5 दिन से बेचैनी महसूस हो रही थी और डॉक्टरों की सलाह पर जब उनके फेफड़े का एक्सरे कराया गया तो इनमें निमोनिया की पुष्टि हुई। बाद में जांच में वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। गौरतलब है कि शायरी की दुनिया में कदम रखने से पहले इंदौरी एक चित्रकार और उर्दू के प्रोफेसर थे। उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए गीत भी लिखे थे और दुनिया भर के मंचों पर काव्य पाठ किया था। राहत ने कोरोना वायरस की चपेट में आने की जानकारी ट्विटर पर दी थी। उन्होंने लिखा था, कोविड-19 के लक्षण दिखाई देने पर कर मेरा कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अरविंदो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूं। उन्होंने लोगों से अपील की थी कि स्वास्थ्य के बारे में जानकारी के लिए उन्हें बार बार फोन न करें। इसकी जानकारी ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से मिलती रहेगी। हालांकि लोगों की तमाम दुआओं के बावजूद राहत साहब का मंगलवार को इंतकाल हो गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहत साहब के निधन पर दुख जताते हुए इसे प्रदेश और देश के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। मध्य प्रदेश के सीएम ने अपने शोक संदेश में लिखा, अपनी शायरी से लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले मशहूर शायर हरदिल अजीज राहत इंदौरी का निधन मध्य प्रदेश और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों और चाहने वाले लाखों लोगों को इस अपार दुख को सहन शक्ति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए खबरिया बाबू से और बेल आइकन को प्रेस करिए।